हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सीएमओ का एग्जाम डेट काफी पास आ चुका है, तो सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कर पाना काफी मुश्किल है। तो कुछ टॉपिक्स का मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराने की बात कही थी, तो आज आपका एक पीडीएफ जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 इसका एक पीडीएफ मैंने तैयार किया है। जिस प्रकार से हम वीडियो लेक्चर्स के दौरान आसान शब्दों में चीज़ों को पढ़ते हैं, उसी प्रकार से आसान शब्दों में एक हैंड रिटन पीडीएफ मैंने बनाया है। जिस किसी को भी पीडीएफ चाहिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में या हमारे फेसबुक पेज या टेलीग्राम चैनल पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उसे वहाँ से जा करके ले सकते हैं। ठीक, इस टॉपिक्स पर यानी जो आपका जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 वाले टॉपिक पर वीडियो नहीं आएगा, इसलिए मैं इसका पीडीएफ आपको पहले से ही दे रहा हूं। तो जिसको भी चाहिए लिंक से जाकर के उसे ले सकता है। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 यानी छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959। आज के इस टॉपिक में हम दो अध्याय या दो चैप्टर कवर करेंगे। एक है आपका अध्याय 5 जिसमें हम अपील पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन वाले टॉपिक को कवर करेंगे, और अध्याय 6 जिसमें हम भूमि और भू राजस्व को कवर करेंगे। ठीक, देखिए अध्याय 5 अपील पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन, इसमें देखिए सबसे पहले नंबर पर है आपका धारा 44 जिसमें बताया गया है आपके अपील के बारे में। अपील के बारे में बताया गया है, अपील जैसे कोई भी राजस्व पदाधिकारी है, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि अलग अलग स्तर पर, संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर, खंड स्तर पर, है ना, अलग अलग स्तर पर आपके अलग अलग आपके राजस्व पदाधिकारी होते हैं। तो किसी भी राजस्व पदाधिकारी के द्वारा यदि कोई आदेश जारी किया जाता है और उस आदेश से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो उस राजस्व पदाधिकारी से वरिष्ठ पदाधिकारी के पास आप उस आदेश के विरुद्ध एक अपील कर सकते हैं। ठीक, तो वही बताया गया है आपके धारा 44 में, यानी किसी राजस्व पदाधिकारी से वरिष्ठ श्रेणी का जो पदाधिकारी है उसके पास आप इस राजस्व पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध में एक अपील कर सकते हैं। ठीक, देखिए ये हमारे छत्तीसगढ़ का जो पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, ये एक राजस्व विभाग का एक प्रशासनिक ढांचा है, समझ लीजिए। ठीक, सबसे टॉप में होता है राजस्व मंडल, उसके नीचे आता है संभाग स्तर पर संभाग आयुक्त, जिला स्तर पर कलेक्टर, खंड स्तर पर आपका उपखंड अधिकारी, उसके नीचे रहता है बंदोबस्त आयुक्त, उसके नीचे रहता है आपका बंदोबस्त अधिकारी। ये बंदोबस्त आयुक्त और बंदोबस्त अधिकारी हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता में इसके बारे में बताया गया है। देखिए जैसे आपका ये है बंदोबस्त अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी ये भी एक आपका राजस्व अधिकारी है, इसके द्वारा कोई एक आदेश जारी किया गया और इसके आदेश से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे, इसके द्वारा लिए गए निर्णय या इसके द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध आप एक अपील कर सकते हैं किसके पास, इससे वरिष्ठ श्रेणी का अधिकारी यानी बंदोबस्त आयुक्त के पास। ठीक, वैसे ही खंड स्तर, उपखंड स्तर पर रहता है आपका उपखंड अधिकारी, उपखंड अधिकारी देखिए यहाँ मैंने आर लिखा है, ये जो उपखंड अधिकारी है इसके नीचे भी छोटे मोटे कुछ राजस्व पदाधिकारी होते हैं। अगर वो राजस्व पदाधिकारी भी यदि किसी भी प्रकार का आपका ऐसा आदेश जारी करते हैं, तो उस आदेश के विरुद्ध भी आप उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी के पास आप एक अपील कर सकते हैं। ठीक, अब मान लीजिए उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी ने ही आपका एक आदेश जारी कर दिया जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो उसके आदेश के विरुद्ध, इसके आदेश के विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं किसके पास, कलेक्टर के पास। ठीक, बंदोबस्त अधिकारी के विरुद्ध बंदोबस्त आयुक्त के पास, उपखंड अधिकारी के विरुद्ध कलेक्टर के पास। ठीक, अब देखिए मान लीजिए आप जैसे जिला स्तर पर है आपका कलेक्टर, जिला स्तर पर है कौन, कलेक्टर, यदि कलेक्टर के द्वारा कोई आदेश जारी किया जाता है और उस आदेश से आप संतुष्ट नहीं है, तो कलेक्टर के द्वारा लिए गए निर्णय या उसके द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध भी आप अपील कर सकते हैं। अपील किसके पास करेंगे, आप संभाग आयुक्त के पास। ठीक, बंदोबस्त अधिकारी के विरुद्ध बंदोबस्त आयुक्त के पास, उपखंड अधिकारी के विरुद्ध कलेक्टर के पास, और आपका कलेक्टर के विरुद्ध संभाग आयुक्त के पास। ठीक, वरिष्ठ श्रेणी के अधिकारी के पास आप अपील कर सकते हैं। लेकिन अब समझिएगा, ये तो थे आपके पदाधिकारी, लेकिन इनमें जो ये आयुक्त वर्ग है, ये जैसे आपका बंदोबस्त आयुक्त है, ये आपका संभाग आयुक्त है, मतलब आयुक्त कमिश्नर जो है ना, तो ये जो आयुक्त का जो पद है, तो यदि इनके द्वारा लिया गया कोई डिसीजन है या इनके द्वारा जारी किया गया कोई आदेश है, तो उसके विरुद्ध आप अपील केवल राजस्व मंडल के पास ही कर सकते हैं। ठीक,
यदि आपके बंदोबस्त आयुक्त है, बंदोबस्त आयुक्त के आदेश के विरुद्ध यदि आपको अपील करना है तो आप राजस्व मंडल के पास करेंगे। वैसे ही संभाग आयुक्त के पास यदि उसके द्वारा लिए गए निर्णय या उसके द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध आपको अपील करना है तो आप राजस्व मंडल के पास करेंगे। आयुक्त वर्ग का जो भी पदाधिकारी है उसके द्वारा लिए गए निर्णय या उसके द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध आप अपील केवल राजस्व मंडल के पास ही कर सकते हैं। बाकी उनके जो बचे हुए राजस्व पदाधिकारी है उनसे वरिष्ठ श्रेणी के बाकी के पदाधिकारी में लागू होता है। ठीक, देखिए धारा 44(1), धारा 44(1) में क्या बताया गया है, अपील केवल मूल आदेश के विरुद्ध ही किया जाएगा। अपील केवल मूल आदेश के विरुद्ध किया जाएगा, ये क्या है इसे आपको थोड़ा बाद में समझाऊंगा, थोड़ा नीचे का देख लीजिए। धारा 44(2) में आपके द्वितीय अपील के बारे में बताया गया। द्वितीय अपील ये जो है ये तो है प्रथम अपील, लेकिन मान लीजिए जैसे बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा जो आदेश दिया गया है ना, तो उसके विरुद्ध आप अपील ला रहे हैं बंदोबस्त आयुक्त के पास, लेकिन बंदोबस्त आयुक्त ने भी आपके अपील जो आपने अपील किया उसमें भी उसने जो आदेश दिया उससे भी आप संतुष्ट नहीं है तो आप द्वितीय अपील कर सकते हैं। अब देखिए द्वितीय अपील कैसे होगा, जैसे समझ लीजिए यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम नीचे से चालू किए, यहीं से देख लीजिए, बंदोबस्त अधिकारी ने किया, ठीक, बंदोबस्त अधिकारी से नीचे भी आपके कुछ राजस्व अधिकारी होते हैं, इसके नीचे भी कुछ राजस्व पदाधिकारी इसके नीचे भी होते हैं, ठीक। मान लीजिए इसके नीचे वाले राजस्व पदाधिकारी ने कोई निर्णय लिया तो आपने अपील किया बंदोबस्त अधिकारी के पास, अब बंदोबस्त अधिकारी के पास आपने अपील किया, इसने कुछ आदेश जारी किया उससे भी आप संतुष्ट नहीं है तो आप द्वितीय अपील करेंगे बंदोबस्त आयुक्त के पास। देखिए बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा जो प्रथम अपील में जो आदेश जारी किया गया है यदि आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप द्वितीय अपील करेंगे बंदोबस्त आयुक्त के पास। ठीक, अब देखिए जिला स्तर पर या उपखंड स्तर पर कलेक्टर या आपका उपखंड अधिकारी, ठीक, जैसे कि मैंने कहा जैसे ये है उपखंड अधिकारी के पास यदि आपने उपखंड अधिकारी ने यदि कोई आदेश जारी किया है उससे संतुष्ट नहीं है तो आप गए कलेक्टर के पास, लेकिन यदि कलेक्टर ने आप कलेक्टर के पास जो आपने अपील की उस अपील पर भी यदि उसने कोई ऐसा आदेश जारी कर दिया जिससे आप संतुष्ट नहीं है तो आप द्वितीय अपील किसके पास करेंगे, तो द्वितीय अपील किया जाएगा आयुक्त के पास। दिए मतलब देखिए मैं इसी में बता रहा हूँ, सबसे पहले उपखंड अधिकारी ने आदेश जारी किया जिससे आप संतुष्ट नहीं है तो आप किसके पास गए कलेक्टर के पास, लेकिन यदि कलेक्टर ने भी एक आदेश आपके अपील पर जो निर्णय लिया उससे आप संतुष्ट नहीं है तो आप द्वितीय अपील किसके पास करेंगे, संभाग आयुक्त के पास, यही बताया गया है। ठीक, अब मान लीजिए जैसे आपका कोई आयुक्त है, आयुक्त के पास आपने अपील किया जैसे कलेक्टर ने, ठीक, कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं, ठीक, तो कलेक्टर के बाद फिर आप प्रथम अपील किसके पास करेंगे, संभाग आयुक्त के पास, संभाग आयुक्त के पास आपने प्रथम अपील किया तो संभाग आयुक्त के द्वारा प्रथम अपील पे जो उसने निर्णय लिया उससे भी आप संतुष्ट नहीं है तो उससे वरिष्ठ अधिकारी कौन है, राजस्व मंडल, तो वही बताया गया है। आयुक्तों के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा प्रथम अपील में यदि आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप द्वितीय अपील के लिए जा सकते हैं, द्वितीय अपील कौन करेगा उस पर निर्णय कौन लेगा, राजस्व मंडल, यही बताया गया इसमें। ठीक, समझिएगा अब इसमें क्या बोल रहा है, मूल आदेश धारा 44(1), अपील केवल मूल आदेश के विरुद्ध ही लाया जाएगा। देखिए ये क्या बोल रहा है, जैसे समझ लीजिए, देखिए थोड़ा हौच पौच हो रहा होगा लेकिन समझते चलिएगा, इससे आसान शब्दों की और में तो मैं और नहीं जा सकता, डायग्राम बना के पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूं, चीजों को सरल बनाने का कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए अब जैसे समझ लीजिए बंदोबस्त अधिकारी है, ठीक, बंदोबस्त अधिकारी है, इसने कोई आदेश जारी किया जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप किसके पास गए, बंदोबस्त आयुक्त के पास गए। ठीक, अब बंदोबस्त आयुक्त ने जो अपील किया, ठीक, बंदोबस्त आयुक्त के पास जो आपने अपील किया तो बंदोबस्त आयुक्त ने जो निर्णय लिया उससे भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो द्वितीय अपील आप किसके पास करेंगे, यहाँ कौन है, आयुक्त, तो द्वितीय अपील करेंगे आप राजस्व मंडल के पास। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो अपील का जो विषय वस्तु रहेगा, अपील का जो विषय वस्तु रहेगा वो मेंशन रहेगा उसमें मूल आदेश, मूल आदेश का कौन लिया था,
बंदोबस्त अधिकारी, ऐसा नहीं कि उसमें आप इसके द्वारा जो बंदोबस्त आयुक्त के द्वारा जो प्रथम अपील में जो आदेश जारी किया गया है आप उसे मेंशन करेंगे। क्या लिखा है, अपील केवल मूल आदेश के विरुद्ध ही किया जाएगा, यानी ये जो आदेश, जहां से ये आदेश चालू हुआ, जहां से ये अपील की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, यानी पहला डिसीजन किसने लिया था जिसके विरुद्ध अपील लाया गया, बंदोबस्त अधिकारी ने लिया था, ठीक। तो यही बताया गया है, अपील केवल मूल आदेश के विरुद्ध ही लाया जाएगा, भले आप किसी भी स्तर पर करें, प्रथम अपील करें या द्वितीय अपील करें। यदि आप द्वितीय अपील कर भी रहे हैं, द्वितीय अपील क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रथम अपील से असंतुष्ट है, तो उसमें प्रथम अपील मेंशन नहीं होगा, उसमें क्या मेंशन होगा, बंदोबस्त अधिकारी ने जो मूल आदेश जारी किया है निर्णय उस पर लिया जाएगा, इसके द्वारा लिए गए निर्णय की जांच नहीं की जाएगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका धारा 46। धारा 46 में क्या बताया गया है, आदेश जिसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, आदेश जिसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। कुछ ऐसे भी आपके आदेश है, कुछ राजस्व पदाधिकारियों के द्वारा कुछ ऐसे भी आदेश जारी किए जाते हैं जिसके विरुद्ध आप अपील नहीं कर सकते, जैसे पुनर्विलोकन के आदेश को मंजूर या नामंजूर करना। यदि कोई एक ऐसा आदेश जारी किया गया है किसी मुद्दे पर जिसमें पुनर्विलोकन का आवेदन को मंजूर कर दिया है किसी राजस्व पदाधिकारी ने या नामंजूर कर दिया है, तो उसके विरुद्ध आप अपील नहीं कर सकते। दूसरा, स्टे के आवेदन को मंजूर करना या नामंजूर करना। और तीसरा है आपका अंतरिम आदेश या एंट्रीम ऑर्डर, ठीक। तो ये दो तीन केस है, इसको थोड़ा याद रखिएगा, इसे याद ही रखिए, समझने का कोशिश मत कीजिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपका धारा 47 जिसमें अपील की अवधि बताई गई है। धारा 47 जिसमें अपील की अवधि के बारे में बताया गया है, यानी किसी राजस्व पदाधिकारी द्वारा कोई आदेश जारी किया गया है और उसके आदेश से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो उससे वरिष्ठ श्रेणी के पदाधिकारी के पास आप अपील कर सकते हैं। लेकिन उस वरिष्ठ श्रेणी के पदाधिकारी के पास आप कितने दिनों के भीतर आपको अपील करना है उसके बारे में बताया है। देखिए क्या बोल रहा है, आदेश जारी की तारीख से मान लीजिए किसी, जैसे इनके, ये जैसे आपका बंदोबस्त अधिकारी है, उपखंड अधिकारी है, कलेक्टर है, ठीक। बंदोबस्त अधिकारी, उपखंड अधिकारी, कलेक्टर, इनके अंडर आने वाले या इससे नीचे स्तर के कोई राजस्व पदाधिकारी है, ठीक, कलेक्टर, उपखंड अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी, इनसे नीचे स्तर का या इनसे नीचे की श्रेणी के जो इनके अंडर में कार्य करते हैं, उन राजस्व पदाधिकारियों के द्वारा कोई ऐसा निर्णय लिया गया या कोई आदेश जारी किया गया जिससे आप संतुष्ट नहीं है, तो आप इस बंदोबस्त अधिकारी, उपखंड अधिकारी और कलेक्टर के पास आदेश जारी किए जाने की तिथि से 45 दिन के भीतर आप अपील कर सकते हैं इनके पास, ठीक। यानी 45 दिन का यदि समय गुजर गया तो आप इनके पास अपील नहीं कर सकते। यानी कलेक्टर, उपखंड अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी के निचले श्रेणी के जो भी राजस्व पदाधिकारी है उनके द्वारा यदि कोई आदेश जारी किया गया जिनके आदेश से आप संतुष्ट नहीं है, तो आप कलेक्टर, उपखंड अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी के पास आप अपील कर सकते हैं, लेकिन यह अपील जो आपका आदेश जारी किया गया है उस तारीख से 45 दिन के भीतर आपको अपील करना आवश्यक है, ठीक। अब आता है नेक्स्ट आयुक्त, जैसे आपका कलेक्टर हो गया या आपका उपखंड अधिकारी हो गए, इनके द्वारा कोई आदेश जारी किया गया जिससे आप संतुष्ट नहीं है, तो आप किसके पास जाएंगे, आप जाएंगे आयुक्त के पास, तो आयुक्त के पास आप अपील कर सकते हैं। यानी आयुक्त के अंडर आने वाले जो भी राजस्व पदाधिकारी है उनके द्वारा यदि कोई आदेश जारी किया गया जिससे आप संतुष्ट नहीं है, तो उनके आदेश के विरुद्ध भी आप अपील कर सकते हैं आयुक्त के पास, लेकिन इसके लिए आपको 60 दिन के भीतर आपको अपील करना आवश्यक है। राजस्व मंडल, अब जैसे आयुक्त हो गया यानी संभाग आयुक्त हो गए और आपके बंदोबस्त आयुक्त हो गए, उन्होंने किसी मुद्दे पर अपना आदेश जारी किया है, यदि उनके द्वारा जारी किए गए आदेश से आप संतुष्ट नहीं है, तो आप किसके पास अपील करेंगे, राजस्व मंडल के पास आप अपील करेंगे। लेकिन ये जो आयुक्त है इनके द्वारा जारी किए गए आदेश की तारीख से 90 दिन के भीतर ही आप राजस्व मंडल के पास अपील कर सकते हैं, यदि 90 दिन से अधिक हुआ तो आप अपील नहीं कर सकते, ठीक। तो धारा 47 अपील की अवधि से डील करता है। अब देखिए नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट है आपका धारा 50 जिसमें पुनरीक्षण या रिविजन के बारे में बताया गया है। देखिए
ऐसे आदेश जिसके विरुद्ध अपील नहीं किया जा सकता, ऐसे आदेश जिसके विरुद्ध अपील नहीं किया जा सकता वो कहलाता है आपका पुनरीक्षण के अंतर्गत। यानी आदेश की वैधता की नियमितता का समाधान किया जाता है, आदेश की वैधता की नियमितता का समाधान किया जाता है। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, ऐसे आदेश जिसके विरुद्ध अपील नहीं किया जा सकता, मतलब ये धारा 46, ऐसे आदेश जिसके विरुद्ध अपील नहीं किया जा सकता तो उसका पुनरीक्षण किया जाता है। यानी आदेश की वैधता की नियमितता का समाधान किया जाता है, यानी जो आदेश लिया गया है उस पर आप अपील तो नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते, लेकिन उसमें आप पुनरीक्षण या रिवीजन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, जो आदेश जारी किया गया है उस आदेश को समाप्त तो नहीं किया जाएगा, लेकिन उस आदेश में यदि छोटे मोटे कुछ उसमें सुधार करने हैं, उसको कोई संशोधन करना है तो वो किया जा सकता है। आदेश की वैधता की नियमितता का समाधान, रिवीजन मतलब क्या होता है, संशोधन, ठीक, उसमें थोड़े बहुत मात्रा में उसमें संशोधन किया जा सकता है, पूरी तरीके से आदेश को चेंज नहीं किया जा सकता। तो वही बताता है आपका धारा 50, जिसमें पुनरीक्षण, ऐसे आदेश जिसके विरुद्ध अपील नहीं किया जा सकता तो उसमें आपका पुनरीक्षण किया जा सकता है। आदेश को पूरी तरीके से बदला नहीं जाता, आदेश में थोड़े बहुत सुधार किए जा सकते हैं, ठीक। पुनरीक्षण का अधिकार सभी राजस्व पदाधिकारियों को नहीं होता, पुनरीक्षण आपका जो होता है, पुनरीक्षण ये अधिकार होता है आपका राजस्व मंडल के पास, आयुक्त के पास और कलेक्टर के पास। राजस्व मंडल, आयुक्त और कलेक्टर, केवल इन तीन पदाधिकारियों के पास ही आपका पुनरीक्षण का अधिकार होता है, ठीक। यानी इनसे निचले स्तर के कोई आपके राजस्व पदाधिकारी है जिनके द्वारा कुछ ऐसा निर्णय लिया गया जिसके विरुद्ध आप अपील नहीं कर सकते, तो उनसे वरिष्ठ श्रेणी के अधिकारी के पास आप पुनरीक्षण के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें ये अपने जो निचले स्तर के जो पदाधिकारी है उनके द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसका एक बार उसकी वैधता की नियमितता का जांच कर सकते हैं, उसके उनके आदेश में थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से उनके आदेश को परिवर्तित नहीं कर सकते, ठीक। नेक्स्ट है आपका धारा 51, जिसमें पुनर्विलोकन के बारे में बताया गया, जिसमें पुनर्विलोकन या रिव्यू के बारे में बताया गया है। देखिए इसमें क्या बोलता है, प्रत्येक राजस्व अधिकारी जो स्वयं या पूर्ण पदाधिकारियों द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, ठीक, उसे परिवर्तित कर सकता है। जैसे मान लीजिए उस पर रिव्यू ले सकता है, उसका एक बार अवलोकन कर सकता है। मान लीजिए जैसे कलेक्टर है, कलेक्टर ने कोई आदेश जारी किया है, अब यदि आप उसमें रिव्यू के लिए अप्लाई करते हैं तो कलेक्टर स्वयं के द्वारा जारी किए गए आदेश का रिव्यू कर सकता है, उसका पुनः अवलोकन कर सकता है, पुनर्विलोकन कर सकता है। अपने ही द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, कलेक्टर के द्वारा स्वयं के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, तो वो अपने ही द्वारा लिए गए निर्णय, अपने ही द्वारा दिए गए आदेश का एक रिव्यू कर सकता है, ठीक। या पूर्व पदाधिकारी, मान लीजिए कलेक्टर, ये जो अभी नया कलेक्टर आया है, तो इससे पहले जो कलेक्टर ने जो आदेश जारी किया था, क्या बोल रहा है, पूर्व पदाधिकारी, यानी अभी जो कलेक्टर है, इससे पहले का जो कलेक्टर रहा होगा, उसने जो आदेश जारी किया था, तो उसके आदेश का भी यह रिव्यू कर सकता है। तो धारा 51 वही बताया है, पुनर्विलोकन या रिव्यू, जिसके अंदर कोई भी राजस्व पदाधिकारी स्वयं या अपने से पूर्व पदाधिकारियों द्वारा पारित आदेश का रिव्यू या पुनः अवलोकन कर सकता है, ठीक। तो इतने में आपका अध्याय 5 खत्म होता है। देखिए अध्याय 6, जिसमें आपका भूमि या भू राजस्व के बारे में बताया गया है। देखिए धारा 57 ये बोलता है कि समस्त भूमि जो आपका छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता का जो धारा 57 है, उसमें राज्य की जितनी भी भूमि है, समस्त भूमि को राज्य की घोषित की गई है। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता का धारा 57 छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आने वाले समस्त भूमि का मालिक घोषित करता है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को, ठीक। यानी जितनी भी भूमि होगी, जो भी आपका छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर का जितना भी एरिया है, वो ऑटोमेटिकली छत्तीसगढ़ राज्य का घोषित कर दिया गया है इस छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के धारा 57 के अंतर्गत। अब देखिए समस्त भूमि में आपका रुका हुआ या बहता हुआ भी पानी आता है। जैसे हम पढ़ रहे थे कि आपका संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि यदि कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उसमें जो तालाब रहता है वो भी आपके भूमि के अंतर्गत ही आता है। लेकिन ये जो आपका धारा 57 में क्या बोल रहा है, रुका हुआ और बहता हुआ पानी मतलब नदी, रुका हुआ पानी मतलब तालाब, इसके अलावा आपके खदान,
खनिज, वन तथा कुछ आरक्षित क्षेत्र, यानी एक तरीके से बोला जाए तो पूरा का पूरा उस राज्य के अंतर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र जिसके अंतर्गत आपके नदी, पहाड़, पानी, खनिज, खदान, वन, आरक्षित भूमि सभी सम्मिलित है, वो सभी को आपका छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 57 के अंतर्गत राज्य का घोषित किया गया है। ठीक, अब मान लीजिए तत्संबंध विवाद। तत्संबंध विवाद मतलब किसी एक भूमि को लेकर के एक व्यक्ति, किसी एक भूमि को लेकर के एक व्यक्ति और राज्य के मध्य कोई विवाद है। ठीक, तो इस विवाद का निपटारा कौन करेगा? इस विवाद का निपटारा उस संबंधित क्षेत्र का कलेक्टर करेगा। याद रखिएगा, मान लीजिए यदि कोई आपके जो राज्य के अंतर्गत कोई भूमि है या भू राजस्व से संबंधित कोई मुद्दा है, तो उस मुद्दे का जो विवाद आया है उस व्यक्ति और राज्य के मध्य, तो उसका निपटारा उस क्षेत्र का कलेक्टर करेगा। इसे आपको याद रखना है। धारा 58, धारा 58 में आपके भू राजस्व के भुगतान के बारे में बताया गया। धारा 58 जो कि भू राजस्व के भुगतान से डील करता है। देखिए, किसी भी प्रायोजन की भूमि राजस्व के लिए दायित्वहीन होगी। किसी भी प्रायोजन की भूमि, प्रायोजन मतलब उस भूमि का कुछ भी उद्देश्य हो, कृषि पर्पज से हो, आपका उद्योग पर्पज से हो, औद्योगिक पर्पज से हो, सार्वजनिक आपका कोई सार्वजनिक प्रयोजन से हो या कोई चिकित्सालय के प्रयोजन से हो, उस भूमि का कोई भी उद्देश्य हो, ठीक, किसी भी प्रकार की भूमि क्यों ना हो, किसी भी प्रायोजन की भूमि क्या हो क्यों ना हो, ठीक, वो उस भूमि के लिए जो राजस्व के दायित्वधीन होगी, यानी उस भूमि का आपको राजस्व देना ही पड़ेगा। ठीक, किसी भी प्रायोजन की भूमि क्या क्यों ना हो, चाहे वो चिकित्सक पर्पज से क्यों ना हो, चाहे वो आपके कृषि के लिए हो, औद्योगिक क्षेत्र के लिए हो, कमर्शियल पर्पज से हो, कुछ भी प्रायोजन हो, उसका आपको राजस्व देना पड़ेगा। वही बताया गया है, राजस्व के लिए दायित्वधीन होगी, राजस्व देना ही पड़ेगा। किसे देना पड़ेगा? तो आपके छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को, सिवाय विशेष अनुदान या संविदा द्वारा पूर्णतः छूट प्रदान की गई भूमि को छोड़कर। मान लीजिए जैसे कोई आपके एनजीओ के लिए कोई भूमि है, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने दान दे दिया है, विशेष प्रकार से अनुदान में यदि कोई भूमि प्रदान की गई है, तो उन भूमि को छोड़कर सब बाकी समस्त प्रायोजन की कोई भी भूमि है, किसी भी प्रकार की भूमि है, वो राजस्व के लिए दायित्वहीन होगी, यानी उसे राजस्व देना ही पड़ेगा। ये आपका धारा 58 बताता है। सिवाय विशेष अनुदान या संविदा, संविदा यानी कोई एग्रीमेंट के तहत कोई भूमि में कोई भूमि को छूट प्रदान की गई है, उसे छोड़कर समस्त भूमि को आपका राजस्व देना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका धारा 58-2। धारा 58-2 आपके भू राजस्व के बारे में बताया गया है। भू राजस्व मतलब भूमि के लिए सरकार को जो देय धन है, भूमि के लिए जो सरकार को देय धन है, वो आता है आपके भू राजस्व के अंतर्गत। अब इसमें किस किस प्रकार से आप भू राजस्व पे कर सकते हैं? नियमित आधार पे कर सकते हैं, प्रीमियम के आधार पर दे सकते हैं, पट्टा दे सकते हैं, लगान दे सकते हैं, भाटक दे सकते हैं। ठीक, प्रीमियम आधार पर वार्षिक या मंथली बेसिस पे दे सकते हैं। पट्टा, जैसे आप सभी को मालूम है कि सरकार शहरी क्षेत्र में आपका 30 साल के लिए पट्टा देती है, ग्रामीण क्षेत्र में, आबादी क्षेत्र में जो आपकी भूमि देती है, उसका भी उन्हें टैक्स पटाना पड़ता है। यहाँ तक कि यदि आपके पास कोई आपकी खुद की भूमि है, जो जिसे आपने रजिस्ट्री कराया है, तो आपको अपने प्रॉपर्टी टैक्स भी भरना पड़ता है। वो सारे के सारे आपके भू राजस्व के अंतर्गत आते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, आपका पट्टे का जो 30 साल का जो पट्टा है, उसका भी आपको टैक्स पटाना पड़ता है। ठीक, उसके अलावा कोई कृषि भूमि है, जो लगान है, लगान देना पड़ता है, भाटक देना पड़ता है। ये सारे के सारे आपके भू राजस्व के अंतर्गत आते हैं। यानी देखिए, मकान आपका है, आपने रजिस्ट्रीकृत, उसको रजिस्ट्री करा के अपने नाम पे कर लिया, मकान तो आपका हो गया, लेकिन फिर भी आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। ठीक, तो ये सारे के सारे आपका भू राजस्व के अंतर्गत आते हैं। भूमि के लिए सरकार को देय धन, नियमित, प्रीमियम, पट्टा, लगान, भाटा, ये सभी के सभी आपके भू राजस्व कहलाते हैं। नेक्स्ट, धारा 58-2 के अंतर्गत भू राजस्व भुगतान में छूट। देखिए, भू राजस्व भुगतान में छूट यानी किस चीज को या किस क्षेत्र को भू राजस्व के भुगतान से छूट प्रदान की गई है। देखिए, हम पढ़े क्या पढ़े हैं, किसी भी प्रायोजन की भूमि यानी उस भूमि का कोई भी मोटो हो, ठीक, किसी भी प्रायोजन की भूमि क्यों ना हो, वह राजस्व के लिए दायित्वहीन रहेगी, यानी उसे राजस्व देना ही पड़ेगा। लेकिन कृषि प्रायोजन की भूमि, ठीक, यानी जिस भूमि पर कृषि किया जा रहा है तथा वह भूमि अलाभप्रद खाते के अंतर्गत आता है, कृषि प्रायोजन की भूमि जिस भूमि पर कृषि किया जा रहा है तथा वह कृषि प्रायोजन की भूमि जो अलाभप्रद खाते के अंतर्गत आता है, उसे भू राजस्व से छूट प्रदान किया जाता है। अब देखिए, अलाभप्रद खाते का मतलब यानी 5 एकड़ से कम भूमि। देखिए,
आप सभी को मालूम है कि कृषि के क्षेत्र में सरकार बहुत से कार्य करती है, तो कृषि भूमि पर ये आपको टैक्स फ्री यानी भू राजस्व उससे नहीं लेती। लेकिन जो कृषि प्रायोजन की जो भूमि है, जिस भूमि पर आपका कृषि किया जा रहा है, वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए, यानी अलाभप्रद खाते के अंतर्गत आनी चाहिए। कृषि प्रायोजन की भूमि जो 5 एकड़ से कम है या अलाभप्रद खाते के अंतर्गत आता है, तो उसे भू राजस्व भुगतान से छूट प्रदान किया गया है। ठीक, इसे याद रखिएगा। अब धारा 60 में ये बताया गया है, जिन भूमि पर भू राजस्व निर्धारित नहीं है, जिन भूमि पर भू राजस्व निर्धारित नहीं है, तो उस भूमि के भू राजस्व का निर्धारण कलेक्टर करेगा। मान लीजिए कोई एक नई भूमि जो सरकार के गवर्नमेंट के अंडर में आती है, अब कोई नई भूमि गवर्नमेंट के अंडर में आई, तो उस भूमि का भू राजस्व कितना होगा? मान लीजिए वो किसी को अलॉट कर रही है, ठीक, सरकार किसी को अलॉट करना चाहती है वो भूमि, तो उस भूमि का उस क्षेत्र के आधार पर उसका भू राजस्व कितना होगा, इसका निर्धारण करेगा कलेक्टर। ठीक, उस क्षेत्र का कलेक्टर निर्धारित करेगा कि उस भूमि का भू राजस्व कितना होगा। तो ये आपका अध्याय 6 यहीं खत्म होता है। देखिए, धाराओं को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, धारा के साथ कॉन्सेप्ट भी समझते चलिएगा। क्या है कि धारा से भी प्रश्न पूछे तो जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट से भी प्रश्न पूछ सकता है। जैसे भू राजस्व का भुगतान किसे आपका छूट प्रदान किया गया, पूर्णतः छूट प्रदान किया गया है ना, ये पूछ लेगा। उसके अलावा किसी भूमि पर यदि नई भूमि किसी सरकार के अंडर में आती है, तो उसमें उस नई भूमि पर भू राजस्व का निर्धारण कौन करेगा? संभाग आयुक्त करेगा, कलेक्टर करेगा, खंड अधिकारी करेगा। तो ऐसे टाइप के आपसे इससे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो धाराओं के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी समझते चलिएगा, सभी के सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।